जय श्री राम, जय सियाराम। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का भव्य आयोजन राजस्थान झुंझुनू जिला इंदाली पंचायत सिद्धेश्वर महादेव भगवान के मंदिर में चल रही भव्य संगीत में ज्ञान महायज्ञ के अंतर्गत राष्ट्रीय धर्माचार्य गुरु प्रवक्ता डॉक्टर कमलेश जी महाराज श्री चित्रकूट धाम वालों के मुखारविंद से अमृत वर्षा बरस रही है। तृतीय दिवस की कथा में पूज्य महाराज श्री ने कहा कि संसार में सभी दुखी हैं और यह संसार दुख रूपी है। सुखी तो केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर के एकांत में भगवत भजन में मस्त हो जाए, जिसके मन में कोई कामना ना हो, बस ना शेष नहीं रह गई कि वही महापुरुष इस संसार में सुखी जीवन के पास में बना हुआ है। इस संस्कार के अंत कोप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इसको ऐसे अपने आप को निकाल ले। कथा प्रसंग में पूज्य महाराज श्री ने कहा, बेटा मैं क्या करूँ। गोकर्ण और आत्मदेव पंडित जी का उदाहरण देते हुए कहा, इस संसार में मन हटाना चाहता हूँ, इस संसार से मन हटाना चाहता हूँ, लेकिन मन लगता नहीं है। उसका उपाय बताते हैं पिताजी। भागवत जी के चतुर्थ अध्याय में 80 श्लोक में कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की रोटियाँ हैं, उनका नाम है और ममता देवी और देवताओं में ममता, दोषियों में जीव बंधा हुआ है। यह हमारा शरीर पंच भौतिक देह है, पंचायती धर्मशाला है। इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहो, पर तुम उस पर अधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कभी भी मत करना, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है और धक्का मारकर निकाल देगा। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। पूज्य राष्ट्रीय धर्माचार्य गुरु डॉक्टर कमलेश जी महाराज ने कहा कि जो लोग 7 दिन तक भागवत जी की कथा को सुनते हैं, वह जीव बड़े सौभाग्यशाली है। यही पर वक्ता और श्रोताओं का नियम बतलाए। भागवत जी के प्रथम स्कंद में पहले श्लोक में सत्य की यहाँ वंदना की गई, क्योंकि भागवत जी तीनों काल में ही सत्य है। और सुखदेव भगवान का प्राकट्य का वर्णन किए, व्यास भगवान और देव ऋषि नारद जी महाराज का सुंदर चरित्र का वर्णन हुआ। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि धर्म में बेताब पुरुष स्त्री को बालक को मतवाले को पागल को सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते। यहाँ पर कुछ महाभारत कथा प्रसंग का वर्णन किए, भीष्म स्तुति किए, कलयुग का 4 जगह स्थान बतलाए। दूतम पानम स्त्रियां सुनम यात्रा धर्मस्य चतुर्विदम। पूज्य महाराज श्री ने कहा, कलयुग का बास कभी भी पिता और पुत्री को एक जगह नहीं बैठना चाहिए। दूतम जहां बैठकर के लोग झूठ बोलते हैं, कलयुग का बास पालम पीते हैं। कलयुग का बास 3 जगह बताएं और 4थी जगह सोना में कलयुग का बास कहा गया। पूज्य डॉक्टर कमलेश जी महाराज ने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धातु नाम आस्मि काचनम धातु के रूप सुवर्ण में मुझे देख सकते हो, कौन से सोने में भगवान का वास है, कौन से सोने में कलयुग का वास है। मेहनत, ईमानदारी, खून पसीना बहा करके जो धन सोना कमाया हुआ होता है, उसमें भगवान का वास है। छल कपट रिश्वत बेईमानी का कमाया हुआ जो धन है, इसमें कलयुग का वास कहा गया है। इसीलिए सोने का मुकुट राजा परीक्षित लगा करके वन में गए थे। कलयुग मौका पा गया, राजा की बुद्धि खराब हो गई और राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन मरने का श्राप लगा। लेकिन यह मुकुट किसका है? यह मुकुट जरासंध महापापी का है। इसलिए कलयुग मौका पा गया और मुकुट में प्रवेश कर गया और एक संत का अपराध किया। संत ने श्राप दिया से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। देखो भैया, मृत्यु सबकी है, इन्हीं 7 ही दिनों में सबको जाना है। 8वां दिन किसी के लिए बंद करके नहीं आया है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो, हरि का नाम लो और कलयुग केवल नाम अधारा। सुमिर सुमिर नर उतरी पारा, जिनके लिए एक ही सारे है। यही पर ध्रुव जी महाराज का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, गज और ग्राह का चरित्र, समुद्र मंथन की कथा का सुंदर वर्णन और वामन अवतार की कथा का सुंदर वर्णन, उनकी झांकियां दिखाई गई। भक्तों ने आनंद से भगवान की झांकी का पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किए। दूरदर्शन भजन सम्राट श्रीमती पूनम जी शास्त्री ने सुंदर सुंदर भजन सुना करके श्रोताओं को भाव विभोर किया। आचार्य पंडित भूपेंद्र कुमार शास्त्री के आचार्य में यज्ञ चल रहा है और यजमान के रूप में ज्योति प्रकाश जी शर्मा इत्यादि दिल्ली महानगर के अन्य लोगों ने भाग लिया। संपर्क सूत्र 9480165492235679। संपर्क कर सकते हैं मंदिर पुजारी सिद्धेश्वर महादेव के ज्योति प्रकाश जी शर्मा जी ने भक्तों से आवाहन किया कि चतुर्थ दिवस की कथा में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी साधक श्रोता भक्त प्रेमी अधिक से अधिक संख्या में पधार करके और भगवान नाम के साथ में जुड़ो और धर्म का पुण्य का लाभ प्राप्त करें। ABP न्यूज भारत, रिपोर्टर डॉक्टर कमलेश महाराज, राजस्थान।